गाइस आप लोग जो मेरे पीछे की तरफ व्यू देख रहे हैं यही रहा हमारा राम मंदिर। हमारे आसाम से साइकिल राइड करके आया हो ना भाई, और आप लोग इधर के साइड देखो यहाँ पर बैंड ग्रुप भी आ रहा है, और जहाँ पे होने वाला है श्री लक्ष्य चंडी महायोग, काफी खूबसुरत तरीके से इसे बनाया गया है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? तो अभी हम लोग अपने रूम से निकल चुके हैं, यानी कि अब हम लोग जा रहे हैं राम मंदिर की ओर, और आज मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों को वो सब चीजें दिखाऊंगा जो आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, यहाँ तक कि मैंने भी नहीं देखा है, क्योंकि राम मंदिर इतना ही बड़ा है कि मैं सारा चीजें कवर नहीं कर पाया हूँ। आज मेरा यहाँ पे आया हुआ लगभग 3-4 दिन हो चुका है, बट फिर भी मैं पूरी तरीके से राम मंदिर नहीं घूम पाया हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा है राम मंदिर। तो अब चलो हम लोग जाते हैं राम मंदिर की ओर, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा काफी सारे चीजें, एंड यहीं से आप लोग देख सकते हो राम मंदिर का रोमांचक पल, यहीं से ही बहुत सारा भीड़ जम चुका है, पूरा का पूरा ये हाईवे है एक, और हाईवे तो काफी जगह पर ब्लॉक कर दिया है, लेकिन ब्लॉक करने के बावजूद भी यहाँ पे इतना ज्यादा भीड़ है कि आप लोग देखोगे तो एकदम ही खुशियां ही खुशियां आएगा, मतलब कि इतना ज्यादा खुश होंगे आप लोग इस भीड़ को देख के। देखो ना आप लोग कितना सारा भीड़ है यहाँ पे। तो अभी हम लोग भी जा रहे हैं, और क्या है भाई ये, यहाँ पर मुझे एक कार्ड भी मिला है, तो चलो यहाँ पर काफी सारे लोग यहाँ पर कार्ड वगैरह बांट रहे हैं, ये आप लोग देख सकते हो, और बाकी आप लोग भीड़ तो देख ही सकते हो कितना ज्यादा भीड़ है। इधर से चलते हैं, यहाँ पर गाड़ियां वगैरह भी चल रही है, और ये गाड़ी है ना, यहाँ पर जितना भी आप लोग गाड़ी वगैरह देख रहे हो ना, ये गाड़ी ऐसे तैसे गाड़ी नहीं है, सारे के सारे वीवीआईपी लोग आए हुए हैं, एंड वहां पर तो रोड ब्लॉक होगा शायद से, लेकिन रोड ब्लॉक होने के बावजूद भी भाई इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं कि भाई कसम से बोल रहा हूँ पैर रखने का जगह नहीं है। अभी रोड से इतना ज्यादा भीड़ है आप लोग देख ही सकते हो, तो भाई राम मंदिर के अंदर आप लोग जाओगे तो आप लोगों को कितना ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगा। और आप लोग इधर के साइड देखो, यहाँ पर बैंड ग्रुप भी आ रखे है, लता मंगेशकर का जो यहाँ पर स्टेचू बना हुआ है ना, तो उसमें आए हुए हैं, और इसमें ना हमेशा गाना वगैरह बजता रहता है, तो यहाँ पे काफी सारे लोग फोटो वगैरह भी खिंचाते रहते हैं, जैसे कि ये भाई साहब देख सकते हो आप लोग फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं, सॉरी माता जी होंगी शायद से, ओके। तो इधर भी आप लोग देख सकते हो काफी सारा भीड़ है, इधर आप लोग देखो कितना ज्यादा भीड़ है भाई, पूरा का पूरा भीड़ जम चुका है इधर। हमारे आसाम से साइकिल राइड करके आया हो ना भाई, सर आसाम कौन सा जगह? रंगिया से। ओ भाई देखो भाई हमारे आसाम से भाई अभी आयो, तो आज ही पहुंचे हो? थैंक यू आज ही पहुंचे हो? कब पहुंचे थे? आज नहीं, कल पहुंचे थे। अच्छा कितना दिन लगा? कितना दिन मतलब 25 दिन हो गया। 25 दिन हो गया भाई, देखो भाई हमारे आसाम से भाई यहाँ पहुंच गए, वैसे हम लोग गाड़ी में आए बट भाई लोग साइकिल में, यही साइकिल देके आ गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो भाई बेस्ट ऑफ लक, अभी जाओगे तो कैसे साइकिल लेके जाओगे या फिर साइकिल लेके ही जाओगे? बनारसी होके काशी विश्वनाथ। हाँ ये पूरा। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, चलो भाई थैंक यू भाई। ये रहा लता मंगेशकर चौक, और वो सूर्य स्तंभ बना हुआ है वहां पर, आप लोग देख सकते हो काफी अच्छा खासा नजारा है, और इधर भी आप लोग देखो कितना अच्छा खासा नजारा है भाई, कितना अच्छा खासा, देख के दिल खुश हो गया। और इधर तो हमारे योगी जी के पुलिस भी है, काफी सारे लोग है भाई, काफी मजा आ रहा है यहाँ पे आने के बाद। अभी मैं आप लोगों को राम मंदिर के सामने भी लेके चलूंगा, वैसे ये घाट है, हम लोग घाट में आए हैं, और ये जो अभी हम लोग जगह पे खड़े है ना, ये है लता मंगेशकर चौक, एंड इसके बगल पे है घाट, तो घाट में भी जाएंगे हम लोग, देन फिर मैं आप लोगों को राम मंदिर का नजारा भी दिखाऊंगा। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे पूरा का पूरा कमांडो फोर्स है, जो कि सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर तैनात हो चुकी है, और अब यहाँ पे शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि परेड होने वाली है, तो आप देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है, जो कुछ भी होता है मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखो भाई, यहाँ पर पूरा का पूरा कमांडो फोर्स एक साथ जुड़ चुकी है। और अभी गाइस मैं आया हूँ नदियों के घाट पे, ये रहा सरयू नदी के घाट, जहाँ पे इस तरीके से बोटिंग वगैरह भी होता है, प्लस यहाँ पे बहुत बड़े बड़े शिप वगैरह आते हैं, तो आप लोग देखो इधर कल हम लोगों ने भी यहाँ पे बोटिंग किया था और काफी मजा आया था, लेकिन आज हम लोग बोटिंग करते हुए हम लोगों को शायद और भी मजा आता, बट अभी गाइस पैसा नहीं है, पैसा खत्म हो चुका है, क्योंकि 100 रुपए लेता है पर हेड, ओके। तो अभी हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि कल ही करके हम लोगों ने मजा ले लिया। तो इधर आप लोग देख सकते हो काफी अच्छा है, यहाँ पर सभी लोग लाइफ जैकेट पहन के बोटिंग कर रहे हैं, और इधर में फुल सिक्योरिटी है, पुलिस ही पुलिस आप लोगों को चारों तरफ देखने को मिल जाएगा। इधर आप लोग देख सकते हो वहां पर तो काफी बड़ा बोट खड़ा हुआ है,
वो देखो कितना बड़ा बोर्ड है जो शायद कोलकाता से आया हो। ओके, कल एक कोलकाता से आया था, तो आज भी हो सकता है कि कोलकाता से आए। और इधर आप लोग देख सकते हो इतने सारे लोग है यहाँ पर, कोई कोई नहाता है तो कोई कोई यहाँ पे बोटिंग करता है, कोई कोई पूजा करने आते हैं, तो कोई कोई यहाँ पे काफी सारा मन्नत मांगने आते हैं, प्लस यहाँ का पानी ले जाने के लिए भी आते हैं। तो मैं भी कल परसों पानी यहाँ का पानी लेके जाऊंगा, गंगा जल जैसे हम लोग लेके जाते हैं ना, तो हम लोग सरायू नदी का जल भी लेके जाते हैं। तो चलो आज यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखा दिया, तो आप चलो हम लोग चलते हैं महायज्ञ जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे चलते हैं। ये देख सकते हो अभी मैं आया हूँ सरोई तट पर, जहाँ पे होने वाला है श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ, जो कि होने वाला है 22 फरवरी से लेकर 9 मार्च 2024 तक। इसीलिए यहाँ पर इतना बड़ा मंडप बनाया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हो काफी बड़ा सा है और काफी खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा व्यू आ रहा है, और ये इस रेत के बीच में है, ये एक नदी था, मतलब कि नदी है, अभी भी नदी है, बट यहाँ का पानी अभी सूख चुका है, तो इसीलिए यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है। ये देख सकते हो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। अभी रात के करीब 9 बज रहे हैं और मैं हूँ अभी के टाइम पे राम मंदिर जाने वाला मेन गेट के सामने। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहीं से राम मंदिर जा सकते हैं हम लोग, ये वाला मेन गेट है। लेकिन अभी के टाइम पे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पुलिस फोर्स पूरी तरीके से सिक्योरिटी दे रही है। एंड अब चलो मैं आप लोगों को वहाँ पे लेके चलता हूँ जहाँ से हमारे राम जी का मंदिर थोड़ा थोड़ा दिखता है। और इधर के साइड आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा भीड़ है भाई, रात के 9 बजने वाले है बट फिर भी बहुत ज्यादा भीड़ है। इधर के साइड आप लोग देखो भाई कितने सारे लोग, अभी के टाइम पे कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। तो मैंने आप लोगों को मेन गेट तो दिखा दिया, तो मेन गेट में तो हम लोगों को बिल्कुल भी घुसने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ तक कि हम लोग ही छोड़ो भाई इस चीज में घुसने नहीं दिया जा रहा है। जो जो अंदर काम करते हैं ना, तो उन्हीं लोगों को घुसने का अलाउड है, प्लस जो जो वीवीआईपी लोग हैं उन लोगों को घुसने का अभी के टाइम पे अलाउड है, बट हम जैसे लोगों के लिए नहीं भाई। तो आप चलो, हाँ अभी 23 तारीख ना, 23 तारीख के बाद तो हम लोग जाएंगे भाई, 23 तारीख के बाद सभी लोगों को एकदम से घुसने दिया जाएगा, तो 23 तारीख के बाद हम लोग आराम से जाएंगे। आप लोग जो मेरे पीछे की तरफ व्यू देख रहे हो वहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा खासा लाइटिंग है। एंड यही रहा हमारा राम मंदिर, जो कि 23 तारीख से पूरी तरीके से सभी लोगों के लिए खुलने वाला है। अभी यहाँ का लाइटिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। और गाइस यहाँ का ना ठंड बहुत ज्यादा है, तो मेरे भाई मफलर के साथ साथ टोपी भी पहन लिया है, जिससे कि मेरा थोड़ा खुजली खुजली हो रहा है यार सर पे, बट कोई ना। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग राम मंदिर का व्यू कितना अच्छा खासा आ रहा है, देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा हूँ मैं तो भाई, क्योंकि यार 23 तारीख कब आएगा और कब हम लोग राम मंदिर में घुस पाएंगे, मैं तो यही सोच रहा हूँ। वहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा खासा व्यू आ रहा है, ये देखो ना कितना अच्छा व्यू है।